नमस्कार सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं मृदुला। मुजफ्फरपुर के फैक्ट्री में बॉयलर फट जाने से 7 मजदूरों की मौत हो गई थी। जी हां, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और राज्यपाल तक ने इस घटना को लेकर दुख व्यक्त किया था। ये घटना जो था वो काफी दर्दनाक था, जिसमें 7 मजदूरों की मौत हो गई थी। वहीं उनके परिजनों के लिए 4 लाख मुआवजा देने की भी बात आई थी। इसी क्रम में जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने उद्योग मंत्री माननीय शहनवाज हुसैन से मुलाकात कर मुजफ्फरपुर जिला के बेला के एक फैक्ट्री विस्फोट की घटना को लेकर मुआवजा बढ़ाने की मांग की है। वहीं जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने कहा है कि हमारी पार्टी की ओर से भी 25,000 रुपये की आर्थिक मदद की जाएगी। तो आपको बता दें कि इस घटना के बाद पप्पू यादव जो हैं वो उनके मृतक के परिजनों वालों की मुआवजा बढ़ाने की भी मांग की है और उन्होंने अपने पार्टी की तरफ से 25,000 रुपया आर्थिक मदद के लिए भी दिए हैं। डेलीगेशन था और बनमनखी चीनी मिल, जो देश की सबसे बड़ी चीनी मिल थी, वहाँ एथेनॉल लगाने के लिए, और आलमनगर में गन्ना का इलाका है, वो वहाँ 30 एकड़ जमीन उपलब्ध हो जाता है, तो वहाँ एथेनॉल के लिए लगातार जो इनका प्रयास है। अभी पूर्णिया में खादी मॉल इन्होंने किया। मैंने मेनली हमने रिक्वेस्ट किया है कि जो घटना घटित हुई साथ हुई है कई मामलों को लेकर शहनवाज हुसैन जी से क्या कुछ कहें। लेकिन मेनली जो घटना इतनी बड़ी घटी है उसमें हमने पूरा प्रॉपर जो लगातार पहले से भी ब्लॉगर के बारे में उनको कहा जा रहा था कि इतने पुराने हो गए और लगातार लोग उनको आगाह किया जा कर रहा था कि आप इसको बदलिए, और वो हमेशा नेगलिजेंसी बरतते चले गए। दूसरी बात कि लेबर कितने गए, वो रजिस्टर्ड कहाँ है, 600 लेबर गए भीतर में कि कितने लेबर गए, तो वो रजिस्टर्ड गायब है, अभी तक वो रजिस्टर्ड नहीं मिला। तो अब मंत्री जी ही बता सकते हैं कि जाँच खुद इन्होंने एक ऐसा मंत्री हैं बिहार सरकार में जो मुझको लगता है कि कोई भी घटना में, अपने विभाग की किसी भी घटना में सबसे पहले जाने वाले और अविलंब कार्रवाई करने वाले मंत्री हैं जो मैं समझता हूं। तो मुझको लगता है कि अभी मैं जा रहा हूं, आज मिलना था, मैंने पहले ही कहा कि मैं मुजफ्फरपुर जा रहा हूं और उसमें सारी रिपोर्ट आकर के मैं इनको दूंगा दिल्ली में। 30 तारीख को ये दिल्ली चले जाएंगे। मेरा एक रिक्वेस्ट था कि SIT जाँच, पहले ही मैंने फ़ोन पर बातचीत की थी, तो खुद ही ये बताएंगे आपको कि इनके आदेश पर कार्रवाई हुई। गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है, वो भागे हुए हैं, और मैंने कहा है कि ऐसा नहीं कि राजनीतिक संरक्षण उन्हें प्राप्त हो जाए। तो 2 रिक्वेस्ट किया है इनसे कि और लोग मरे हैं, आप इसकी पूरी तहकीकात कर लीजिए। मेरी नॉलेज में है कि कुछ और लोग कैजुअलिटी हैं, तो मंत्री जी ही बताएंगे, क्योंकि वो जो रजिस्टर्ड है जिससे लेबर भीतर जाता है वो रजिस्टर्ड नहीं मिल रहा है। 2 PM ने दिया है 4 लाख रुपया, तो हमारे तरफ से भी 25,000 रुपया आज सभी को मिलेगा। लेकिन हम तो ऊँट के मुंह में जीरे कपूर, हमारा तो कुछ हो नहीं सकता, लेकिन हम ज़रूर आग्रह करेंगे कि मुआवजा बढ़नी चाहिए, कम से कम 10 लाख रुपया मुआवजा होनी चाहिए। लेकिन जो मंत्री ही करा सकते हैं और आपके काबिल मंत्री हैं, ये जो चाहेंगे वो कुछ भी हो सकता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे सिटी पोस्ट के साथ, धन्यवाद।